बढ़ता जा रहा है यार राजस्थान में, आगे आगे जहाँ जा रहा हूँ। बैठो मैं तो बैठते हूँ, मैं तो रोज के काम में खींचता हूँ आपकी। अपना तो यही मूवमेंट है तो ये दिक्कत झेलनी पड़ेगी, तो वो लाइफ का बेस्ट बर्थडे माना जाएगा। भाई जी है जैसलमेर वॉर म्यूजियम, इसने पहले मुझे रोका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 11 और आज हमारा मीडिया मोड आना था बट वो आज नहीं आ रहा, वो दिखा रहा है रात को 9 बजे आएगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आज रुकने का फिर कोई फायदा नहीं है, अपना ईयरफोन से ही काम चला लेंगे, ऑडियो अलग रिकॉर्ड करेंगे और गोप्रो में वीडियो अलग रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैंने सोचा वैसे ही कर लेंगे क्योंकि रुकने का कोई फायदा नहीं है, फिर अपन ही लेट हो जाएंगे उस चीज में। बैग वगैरह सब रेडी है अपना, बस अब निकलते हैं यहाँ से जैसलमेर के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग होटल से निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:30 और यहाँ से जैसलमेर है 274 किलोमीटर दूर, जो कि 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है अपने को, तो 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। बट अपन खाना खाने के लिए भी कहीं पर रुकेंगे अभी तो, और इसमें फ्यूल अप भी कराने, 77 की रेंज है इसमें तो फ्यूल अप कराना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कोई आसपास पेट्रोल पंप मिलता है तो पहले फ्यूल अप कराते हैं। और गाइज अपना मीडिया मोड भी नहीं आया, वो दिखा रहा था रात तक आएगा, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो अब कौन आज का और कौन होटल में स्टे लेगा, तो फिर मैं निकल गया इसी चक्कर में। फिर मैंने सोचा चलो ऑडियो अलग रिकॉर्ड कर लेंगे दूसरे नोकिया वाले फ़ोन में, और इसके लिए तो फिर गोप्रो में तो वीडियो रिकॉर्ड हो ही जाएगी। ये अच्छा हुआ कि मैंने COD करा था, प्रीपेड करता तब तो दिक्कत हो जाती। जैसलमेर 275 किलोमीटर, चलो पेट्रोल पंप मिल गया, पेट्रोल डलवा लेते हैं पहले। 111 बढ़ता जा रहा है यार राजस्थान में, आगे आगे जहाँ जा रहा हूँ। 108 से स्टार्ट हुआ था, 111 पहुँच गया अब। तो गाइस फ्यूल अप हो चुका है, 1100 का पेट्रोल डला है और यहाँ पे है 111। राजस्थान में 108 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फिर 110, फिर उसके बाद वो पावर वाला डलवाया 115, देन अब 111। ये नॉर्मल ही था, नॉर्मल 111 था, तो प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब जैसलमेर में देखेंगे कि क्या प्राइस चल रहा है पेट्रोल का, क्योंकि आगे आगे बढ़ता जा रहा है। जयपुर में 108, फिर उसके बाद उदयपुर में 110, फिर उदयपुर में पावर वाला 115, देन जोधपुर में 111। अब जैसलमेर की बारी आएगी आगे, जैसलमेर में पता लगेगा कितना है। पहले प्लान था जैसलमेर से वापस, देन मेरे को पता लगा कि जैसलमेर के पास तो बॉर्डर भी है इंडिया पाकिस्तान का, तो मैंने सोचा चलो वहाँ भी चल लेंगे, 120 किलोमीटर ही दूर है जैसलमेर से, तो मैंने सोचा वहाँ पे भी एक दिन चले जाएँगे, जहाँ इतने दिन लग गए वहाँ एक दिन और सही। हाँ जैसलमेर जा रहा हूँ अभी, आप बैठो ना। अरे आप बैठो, मैं तो बैठते हूँ, मैं तो रोज के काम में खींचता हूँ आपकी, आ जाओ। देखो ठीक है, ओके चलो, ओके सर, ओके थैंक यू। क्या सर ने बताया? A2 व्लॉग्स के नाम से। इनको बाइक के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी, इन्होंने मेरे को कहा कि एक बार साइड में रोकोगे, मैंने कहा चलो रोक देते हैं, पहले मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराए फिर उसके बाद बाइक के साथ। और जोधपुर से लोग मिल रहे हैं मेरे को, रोक भी रहे हैं, पूछ रहे हैं, बाकी जयपुर में नहीं, किसी को नहीं पता, ठीक है, उदयपुर में भी नहीं पता। जब उदयपुर से निकला जोधपुर के लिए तब लोगों को, मतलब यहाँ पर दिखा मैं, तो यहाँ पर लोगों ने मुझे रोका, पूछा, सब्सक्राइब करा, फ़ोटोज़ क्लिक कराई। अपना तो यही मूवमेंट है कि लोग मिलते हैं, रोकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, तो यही चीज़ है, यही चाहिए अभी अपने को। अभी देखता हूँ आगे कोई होटल देखूँगा, 12:15 बज चुके हैं वैसे, तो अभी देखता हूँ आगे कोई होटल देखूँगा और फिर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। पहले बाइक रोकी, अब देखते हैं, ईयरफोन ही नीचे आ गए। डन, यही प्रॉब्लम है कि अगर मीडिया मोड नहीं है ना तो ये दिक्कत झेलनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, अब चलो चलते हैं। आर्मी वाले जा रहे हैं यहाँ से, मतलब बहुत सारे आर्मी वाले, काफ़ी सारे जाते हैं क्योंकि आगे लोंगे वाला बॉर्डर ही है, तो आर्मी वहीं तैनात रहती है। तो ये देख लो अब कितने सारे जा रहे हैं, ट्रक्स हो गई, जीप्स हो गई, काफ़ी सारे जा रहे हैं। भाई सल्यूट है इन लोगों को सच्ची में, कहीं पर भी कोई आर्मी वाला दिखता है ना तो उसके लिए ना रिस्पेक्ट बढ़ जाती है,
क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए तैनात है बॉर्डर पे। हम लोग सेफ रहे इस वजह से वो लोग अपनी जान दांव पे लगाते हैं। मेरा बर्थडे भी आने वाला है 2 तारीख को, तो मैंने मतलब डिसाइड करा है 2 तारीख को ना मैं लोंगेवाला में होऊंगा, तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं वहीं पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। परमिशन लेंगे आर्मी वालों से, अगर परमिशन मिलती है तो उन्हीं के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो लाइफ का बेस्ट बर्थडे माना जाएगा। अगर वो सेलिब्रेट होता है आर्मी वालों के साथ होता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। बाकी फ़िलहाल तो अभी हम जैसलमेर जा रहे हैं, उसके बाद लोंगेवाला जाएंगे। अभी किसी रेस्टोरेंट पर रुका था खाना खाने के लिए और थाली ऑर्डर करी है, आ चुके हैं, खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे जैसलमेर के लिए। तो गाइस खाना खाने के लिए रुका था, भूख लग रही थी बहुत ज़बरदस्त क्योंकि 2 बज चुकी थी। अब यहाँ पे खाना खाने में हमें लग गया 1 घंटा, तो अब 3 बज चुकी है। अब फाइनली खाना खा के निकल चुका हूँ, एक नॉर्मल थाली ऑर्डर करी थी, तो इसी में अपना एक छोटा सा ब्रेक भी हो गया और पेट भी भर गया। बस गोप्रो की बैटरी चेंज करना मैं भूल गया, वो गलती रह गई मेरे से, तो वो अभी कोई नहीं, अभी है 30-40% बैटरी है, तो फिर वो अभी कर लेंगे, आगे चेंज कर लेंगे थोड़ी देर में, उसमें 5-7 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। और बाकी जैसलमेर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 131 किलोमीटर है, तो हम अराउंड पहुँच जाएंगे 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे लगभग सारी बंजर ज़मीन है, बस देखो कोई आसपास कुछ है ही नहीं, ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ये भी अभी कुछ टाइम पहले ही बने होंगे। तो गाइस जोधपुर से जैसलमेर का रास्ता वैसे तो 1 वे है, बट जो रोड है ना वो बहुत प्यारी है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अपना आराम से 70-80 पे चला के जाओ और मस्त पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भगा सकते हो, भगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 वे है पहली बात, तो 1 वे सेफ जाना चाहिए, ठीक है। और भगा के करना भी क्या है, इतनी तेज़ चला के करना भी क्या ही है, तो नॉर्मल स्पीड में चलाओ बेस्ट है, अपना आराम से पहुँच जाओगे 4 घंटे में पहुँच जाओगे, अगर 70-80 भी चला दो ना तो भी 4 घंटे में पहुँच जाओगे। तो यहाँ से जैसलमेर रह गया 35 किलोमीटर और तनोट माता मंदिर 155 किलोमीटर। तनोट माता मंदिर जो है वो बॉर्डर के पास है, जहाँ पे मतलब इंडिया पाकिस्तान की वो अभी लड़ाई हुई थी ना 1971 के आसपास में जो लड़ाई हुई थी, उस मंदिर पे 400 बम गिराने की कोशिश करी थी, मतलब 400 बम गिराए थे पाकिस्तान आर्मी ने और एक बम भी नहीं फटा था। तो वहाँ अपन ज़रूर जाएंगे, बट अभी पहले जैसलमेर कवर करते हैं, देन उसके बाद निकलेंगे लोंगेवाला बॉर्डर के लिए और वहीं पे है तनोट माता जी का मंदिर। तो गाइज़ अगर कभी भी आप लोग जैसलमेर आ रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने पास एक हैट या कैप ज़रूर रखना, क्योंकि जब डेजर्ट में जाओगे मिट्टी होगी, बालों पर मिट्टी चिपक जाएगी, बाल ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ एक सनस्क्रीन ज़रूर रखना, क्योंकि गर्मी इतनी है ना यहाँ पर, तो सनस्क्रीन लगा के रखना ताकि टैनिंग ना हो और फेस ख़राब ना हो, मतलब स्किन बर्न हो जाएगी पूरी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये 2 चीज़ें तो कंपलसरी है। और साथ में एक शूज़ ज़रूर रखना अच्छे। तो गई जी है जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, अभी जैसलमेर दिखा रहा है 10 किलोमीटर और वॉर म्यूज़ियम यहीं पे है, यहाँ पे भी हमें आना पड़ेगा, वो वहाँ पे टैंक है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो ऊपर ये टैंक खड़े हैं, 2 बैटल एक्स। हाँ जी क्या लगेगा, मेन रोड के ऊपर अपना ऑफिस है, ठीक है, हाँ तो चल के समझ लेना, देखने का कोई चार्ज तो लगता नहीं है, हाँ अच्छा लगेगा तो रख लेना, भाई की तरफ से चाय पान पी के चले जाए, ठीक है। इसने पहले मुझे रोका, फिर मेरे को सारा बताया, मेरे को लगा वैसे रोक रहा होगा, फिर मैंने इसने तो कार्ड दिया, कह रहा ये है जी पैकेज है देख लो, मैंने कहा चल बताता हूँ, कहता है होटल है हमारा 2 किलोमीटर दूर से, आप भी तो सिटी जा रहे हो, मैंने कहा हाँ, कहता मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैंने कहा चल ठीक है भाई, ना तो करनी आती नहीं हमें किसी को, इंट्रोवर्ट हूँ ना, अगर पसंद आ गया तो देख लेंगे यार। सिटी में तो एंटर कर चुके हैं हम लोग, अब देखते हैं इनका ऑफिस कितनी दूर है। भाई देखना बिल्कुल गोल्डन गोल्डन होटल दादा पैलेस डेजर्ट सफारी, ये ऑफिस है इनका गुजराती पैलेस के नाम से।
तो गाइस मैं होटल गुजरात पैलेस में ही रुक गया हूँ। अब उन्होंने बताया था, पैकेज बताया था 6000 में पड़ रहा था, जिसमें अपने को जंगल सफारी, कैमल राइड और स्टे वगैरह सब चीज़ें हैं उसमें। तो मैंने कहा ठीक है, और आज का जो स्टे है यहाँ पे वो भी इसी में इंक्लूडेड है। कल फोर्ट में घुमाएंगे, ले क्या वहाँ पे घुमाएंगे, तो मतलब सारा इन्हीं की तरफ से है वो। तो 6000 में सब चीज़ होगी है। और मैंने इनको क्या दिया कि ना, मेरे को आगे वहाँ से बॉर्डर के लिए निकलना है, तो मैं अपना सामान यहाँ छोड़ जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सामान छोड़ जाना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपना एक दो जोड़ी कपड़े ले जाएंगे डेजर्ट में, और उसके बाद आगे अगले दिन बॉर्डर के लिए निकल जाएंगे। तो अपना सामान बाकी का यहीं पड़ा रहेगा, जो मेन होगा वो मैं ले जाऊंगा यहाँ से। अगर किसी को पैकेज लेना हो तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भैया से बात कर लेना, तो आपको भी मिल जाएगा, शायद थोड़ा सा कंसेशन भी मिल जाए अगर आप बात करो तो। बस अब थोड़ी देर मैं करूंगा रेस्ट, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दें। कल अपन घूमेंगे मस्त फोर्ट में और फिर डेजर्ट में। तो इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हुआ, अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।